वेब सीरीज स्टोरी एक्सपर्ट प्रेजेंट द पेलिकन ब्रीफ। ये फिल्म एक लीगल थ्रिलर है। जॉन ग्रिशम की दो नॉवेल्स पर एक ही साल में दो फिल्में बनी थी। जॉन ग्रिशम की नॉवेल्स इतनी फेमस होती हैं कि इन नॉवेल्स पर बेस्ड फिल्मों में अक्सर बड़े स्टार्स ही काम करते हैं। द फॉर्म में टॉम क्रूज ने काम किया था। इस कहानी का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, अगर आप चाहें तो उस पर जाके उसे देख सकते हैं। द पेलिकन ब्रीफ एक और वजह से बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी और वो थी जूलिया रॉबर्ट्स की लाजवाब एक्टिंग। इस फिल्म में उन्होंने एक लॉ स्टूडेंट का रोल बड़े ही तल्लीनता से किया था। इस फिल्म के IMDb रेटिंग की बात करें तो वह है 6.6, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। पिछले कुछ दिनों में सुप्रीम कोर्ट के दो जजेस जेंसन और रोसेनबर्ग की मौत हो चुकी है। इनका मर्डर करने वाला किलर है खामेल। ये बड़ी बड़ी सुपारियाँ ही लेता है, जैसे पॉलिटिशियन, सेलिब्रिटीज़। इस बार इसने दो जजेस को मारा है, पर उसने ऐसा क्यों किया है? जाहिर है किसी बड़ी हस्ती ने उसे सुपारी दी थी, पर वो कौन है, ये इस कहानी में रहस्य है। इस कहानी में एक लॉ स्टूडेंट भी है जिसका नाम है डार्बी। डार्बी ने स्टूडेंट रहते हुए इस केस में अपना लीगल ब्रीफ लिखा था। इसमें उसने इस बात की थ्योरी दी थी कि इन दोनों की हत्या किसने की है और क्यों की है। डार्बी प्यार करती है इस लॉ स्कूल के प्रोफेसर थॉमस से। थॉमस को भी डार्बी का ब्रीफ काफ़ी अपीलिंग लगा। उसने अपने FBI के डायरेक्टर दोस्त गेविन के साथ इसे शेयर कर दिया। थॉमस ने अपने FBI के डायरेक्टर दोस्त गेविन को इसकी एक कॉपी शेयर कर दी। पर जैसे ही थॉमस ने यह ब्रीफ गेविन तक पहुंचाई, थॉमस की गाड़ी में किसी ने बॉम्ब फिट किया। थॉमस उसमें बैठा, गाड़ी ऑन की और कार में रखा बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। डार्बी सामने ही खड़ी थी थॉमस को बाय बोलने के लिए। अपनी नज़रों के सामने उसने थॉमस को मरते देखा। अभी वो यहीं थी कि तभी एक अनजान शख्स ने उस पर भी अटैक करने की कोशिश की। जैसे तैसे डार्बी यहाँ से बच निकली, पर अब उसे इन बिखरे किस्सों को जोड़ना है। पहले तो जजेस का मरना, जैसे उसका ब्रीफ थॉमस के थ्रू गेविन तक पहुंचा, उसी के बाद थॉमस पर अटैक हुआ और वो मारा गया, और अब उस पर भी अटैक। ये सब हो रहा है उस ब्रीफ के लिखने के बाद। मतलब साफ है, उसका लिखा ब्रीफ सही है और जो भी उन जजेस के मर्डर में इन्वॉल्व है वही ये सारे अटैक्स करवा रहा है। उसे ये खबर लग गई है कि FBI के डायरेक्टर गेविन तक उसका ब्रीफ पहुंच गया है। अब वो समझ चुकी है कि उसकी जान भी अब खतरे में है। ऐसे में उसे अपनी सुरक्षा के लिए गेविन से कॉन्टैक्ट करना पड़ा। उसने फ़ोन से उससे पूछा, क्या मेरा ब्रीफ FBI तक पहुँच गया? गेविन ने पहले तो एक अनजान शख्स को ये सब बताने से इनकार कर दिया, पर जब डार्बी ने कहा कि वो जेंसन और रोजनबर्ग के मर्डर से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दे सकती है, इस पर गेविन ने कहा, मैंने वो ब्रीफ FBI में प्रेजेंट कर दिया था, पर अभी उसका क्या स्टेटस है ये मैं नहीं बता सकता, मुझे तुमसे मिलकर उन मर्डर्स की जानकारी चाहिए। डार्बी ने गेविन को अपने बताए हुए पते पर आने को कहा। फ़ोन कटने पर खामेल यहाँ मौजूद था। उसने पहले तो गेविन को मार दिया और अब वो खुद ही डार्बी से मिलने जा रहा है गेविन बनकर। डार्बी ने गेविन को देखा तो है नहीं, सो वही गेविन के नाम से उससे मिलेगा और मौका देकर उसे भी मार देगा। उसने यहाँ रिकॉर्डिंग डिवाइस लगा रखी थी जिससे उसने इन दोनों की बातें जो रिकॉर्ड हो गई थी उसे सुन लिया, और ये रिकॉर्डिंग सुनकर उसने उस एड्रेस का पता लगा लिया जहाँ डार्बी ने गेविन को मिलने बुलाया था। यहाँ जब वो पहुँचा तब डार्बी पहले से ही उसका इंतज़ार कर रही थी। उसे तो यही लगा कि यही FBI डायरेक्टर गेविन है, पर वो तो खामेल है, कॉन्ट्रैक्ट किलर। वो डार्बी से छिप के गन से डार्बी को मारने ही वाला था कि तभी किसी अनजान ने आकर खामेल को मार दिया। डार्बी यहाँ से भाग निकली। इधर उसके घर से उसका कंप्यूटर हार्ड डिस्क गायब हो गया है, यानी कि उस पर खतरा 2400 घंटे मंडरा रहा है। उसे इन सब में एक ही शख्स दिमाग में आया और वह वॉशिंगटन हेराल्ड का फेमस रिपोर्टर ग्रैंथम। उसने उसे कॉन्टैक्ट किया और कहा कि उसी ने वो ब्रीफ लिखा है और वो और भी जानकारी देना चाहती है। इस पर ग्रैंथम छिपते हुए डार्बी से उस होटल में मिलने पहुंचा जहां वो रुकी है। डार्बी ने ग्रैंथम से मिलकर ब्रीफ के बारे में जानकारी दी। उसने कहा, मुझे यकीन है कि दोनों जजेस के मर्डर्स ऑयल टाइकून मैटीस ने कराए हैं। इसकी वजह है उसे ऑयल का बड़ा खजाना मिला था लुइजियाना में, पर वो एरिया पक्षियों की दुर्लभ प्रजाति पेलिकन्स का घर है। ऐसे में यहाँ मैटीस को ऑयल एक्सट्रैक्शन के राइट्स मिलने बहुत मुश्किल थे, पर मैटीस हर हाल में यहाँ ड्रिलिंग राइट्स को पाना चाहता था। पर जब ये मामला उसे सुप्रीम कोर्ट में जाता दिखा तब उसने सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजेस को मरवा दिया, और बाद में शायद ऐसे जज को अपॉइंट किया जाएगा जो मैटीस के फेवर में फैसले ले। इस काम में जाहिर सी बात है कि मैटीस के सर पर भी किसी बड़े पॉलिटिशियन का हाथ है। मैटीस एनवायरमेंटल इश्यूज को दरकिनार करके गैस और ऑयल एक्सप्लॉयटेशन करना चाहता है। मैटीस के और भी पार्टनर्स हैं, उनमें एक लॉ फर्म भी है। इस फर्म का एक लॉयर है कर्टिस मॉर्गन। उसने नाम छिपाकर ग्रैंथम से कॉन्टैक्ट भी किया फ़ोन के थ्रू। वो मैटीस और उसके पार्टनर्स के काम को एक्सपोज करना चाहता है। ये सारी बातें ग्रैंथम ने डार्बी से बताई। डार्बी ने उसे पूछा, तुम्हें कैसे पता कि उसका नाम कर्टिस मॉर्गन है? ग्रैंथम ने कहा,
मैंने जब वो कॉल मुझ तक आई तब मैंने उसकी इंस्पेक्शन की और इस तरह मुझे उसका नाम पता चल गया। अब मुझे कर्टिस मॉर्गन तक पहुंचने में तुम्हारी मदद चाहिए। अगर हम उस तक पहुंच जाएं तो हमें बहुत से सबूत मिल सकते हैं मटीस और उसके साथियों के खिलाफ। ऐसे में हम मटीस को एक्सपोज कर सकते हैं अपने न्यूज़ कंपनी वॉशिंगटन हेराल्ड के थ्रू, और साथ में हमें यह भी पता चल सकता है कि मटीस के ऊपर किसका हाथ है। डार्बी ग्रांथम की बातों से कन्विंस हो गई और वो पहुंची है कर्टिस मॉर्गन के एड्रेस पर यहाँ पहुंचकर उसे पता चला है कि मॉर्गन को भी मार दिया जा चुका है, पर उसे मॉर्गन के वीडियो का एड्रेस यहाँ से मिल गया है। जैसे तैसे वो यहाँ से बचकर निकली, उस पर खतरा अब और भी बढ़ गया है। कभी भी उस पर अटैक हो सकता है, साथ ही ग्रांथम पर भी। इस बार मॉर्गन के वीडियो से ग्रांथम मिलने पहुंचा और उसे कहा, आप फिक्र मत करो, मुझे मॉर्गन के मर्डरर्स को एक्सपोज करना है, अगर आप कोई भी मदद कर सकती हो तो प्लीज़ करो। इस पर मॉर्गन के वीडियो ने उसे बैंक के लॉकर में सेफ डिपॉजिट बॉक्स की चाबी दे दी और भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन दे दी, जिसे बाद में ग्रांथम ने डार्बी से शेयर किया और वो पहुंची सेफ डिपॉजिट बॉक्स को ओपन करने। यहाँ के ऑफिसर को सारी कॉन्फिडेंशियल डिटेल देने के बाद और ये बताकर कि वो मिस्टर मॉर्गन की वाइफ है, उस सेफ डिपॉजिट बॉक्स तक पहुंची और यहाँ उसे मिला है एक वीडियो टेप और साथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स। पर जैसे ही वो इन डॉक्यूमेंट्स को लिए ग्रांथम से मिली और कार में बैठी, उसे महसूस हुआ कि कार में कुछ गड़बड़ है। दोनों कार से उतरकर तेजी से दौड़े, कार में बम था और कार ब्लास्ट हो गया। इन दोनों पर भी अटैक हुआ, पर दोनों अपनी जान बचाकर जैसे तैसे वॉशिंगटन हेराल्ड के ऑफिस पहुंचे। यहां जब दोनों ने डॉक्यूमेंट्स को खोला और वीडियो टेप को ऑन किया, तब पता चला कि इन सब में मटीस तो इन्वॉल्व है ही, साथ में US प्रेसिडेंट भी इन्वॉल्व है। प्रेसिडेंट का भी इस प्रोजेक्ट में 40% शेयर था और प्रेसिडेंट के इन्फ्लुएंस में ही सुप्रीम कोर्ट के नए जज नियुक्त किए जाने हैं उन दो जजेस के मरने के बाद। यानी डार्बी की थ्योरी पेलिकन ब्रीफ बिल्कुल सही थी, और इसी वजह से इस थ्योरी से जितने भी लोग डायरेक्टली या फिर कह लीजिए इनडायरेक्टली जुड़े, सबकी हत्याएं हुई। यहाँ तक कि FBI के डायरेक्टर गेविन को भी मार दिया गया। इन सब पर ग्रांथम ने भी अपनी स्टोरी लिख दी है वॉशिंगटन हेराल्ड के न्यूज़पेपर में छपने के लिए। उसने और डार्बी ने FBI को भी चांस दिया है कि वो भी इस पर कमेंट करें। जैसे ये खबर FBI के वन ऑफ द डायरेक्टर्स मिस्टर वॉयल्स तक पहुंची है, वो अपने साथी के साथ वॉशिंगटन हेराल्ड के ऑफिस पहुंचा है और इस बात को स्वीकार किया है कि डार्बी की थ्योरी पेलिकन ब्रीफ को एक्सेप्ट किया गया था और उसे व्हाइट हाउस प्रेसिडेंट के पास भी भेजा गया था और FBI को इस केस से दूर रहने को कहा गया था। जब गेविन इसमें खामखा इंटरेस्ट लेने लगा, तब मटीस ने उसे भी मरवा दिया। इन सब में CIA इस केस को छानबीन करने में इन्वॉल्व हो गया और साथ ही पेलिकन ब्रीफ को एक्सेप्ट भी कर लिया। इसलिए CIA अभी भी मटीस को इन्वेस्टिगेट कर रही है। CIA ने ही खामिल को मरवा दिया जब वो डार्बी को मारने वाला था। इन सब के बाद में CIA की तरफ से डार्बी को ऑफर किया गया है कि वो इस देश को छोड़कर जिस देश में भी जाना चाहती है जा सकती है, इस सब का अरेंजमेंट कर दिया जाएगा। डार्बी ने शर्त रखी कि उसे छोड़ने ग्रांथम को भी उसके साथ जाने दिया जाए, और ऐसा ही हुआ। ग्रांथम डार्बी को स्पेशल प्लेन से एक अलग देश में छोड़ने गया। ये कौन सा देश है इसे इस कहानी में राज रखा गया है। डार्बी ने ग्रांथम को गले से लगाया, फिर उससे विदा लिया और अब ग्रांथम वापस वॉशिंगटन हेराल्ड के ऑफिस पहुंच गया है। उसने ये पेलिकन ब्रीफ की सारी कहानी अपने न्यूज़पेपर की स्टोरी में पब्लिश कर दिया है। ग्रांथम इससे काफ़ी फेमस हुआ। एक इंटरव्यू में उससे पूछा गया, ये डार्बी कोई है भी या सिर्फ एक पहेली है, और जो भी है वो है कहाँ? ग्रांथम ने कहा, आप सब उसे एक पहेली ही रहने दीजिए, मैं कभी भी नहीं बताऊँगा कि वो कहाँ है, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। इन सब से इतने बड़े राज का पर्दाफाश हुआ है, प्रेसिडेंट के ऑफिशल्स को रिज़ाइन देना पड़ा और प्रेसिडेंट अब दोबारा इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा। मटीस के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। डार्बी किसी दूसरे देश में बैठी ग्रांथम का इंटरव्यू देख रही है और मुस्कुरा रही है। इसी नोट के साथ ये फिल्म समाप्त हो जाती है। फ्रेंड्स, ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और किसी फिल्म की कहानी या वेब सीरीज़ की कहानी आप सुनना चाहें तो उसे भी कमेंट्स में मेंशन करें, हम उसे ही पब्लिश करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।